संसद में हिंदू शब्द के बारे में बड़ा हंगामा हो रहा है। उसके साथ साथ ईवीएम के बारे में भी मुद्दा आया था और अखिलेश यादव ने ईवीएम के बारे में कहा कि यदि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा की सीटें अगर हम जीत जाते हैं तो भी हम लोग ईवीएम का विरोध करेंगे और बैलेट पेपर आना चाहिए। अखिलेश यादव ने जो कहा, ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि हाँ ऐसा वो कहना चाहिए, ये कहने में भी उन्होंने लेट कर दिया। जल्दी ही हम लोग ईवीएम के बारे में बहुत सारे तथ्य घोषित करेंगे और जल्दी ही इसके विरोध में भारत बंद का ऐलान करेंगे, क्योंकि ये जब तक ईवीएम नहीं जाती है तब तक शायद बीजेपी आरएसएस की सरकार जाना मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया था कि अब ईवीएम के बारे में लोग शांत हो जाएंगे। अब की बार एक बहुत होशियारी का खेल खेला गया। बीजेपी को 400 में से 240 सीटें दी गई, मगर ये प्रबंध किया गया कि बहुमत भाजपा और उसके सहयोगियों का होना चाहिए और मोदी के ही नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए, इसका भी प्रबंध किया गया। इसलिए ये बहुत गंभीर बात है, योजनाबद्ध तरीके से ये काम हुआ और ये काम ईवीएम के द्वारा ही किया जाना संभव है। इसलिए जल्दी ही हम लोग भारत बंद की तैयारी करेंगे। मैं अपने लोगों को, सारे देश भर के लोगों को भारत बंद की ईवीएम के विरोध में तैयारी करके रखने का आदेश देता हूं और तारीख जल्दी ही घोषित की जाएगी। इस पर हमारे तमाम कार्यकर्ता ध्यान दें और अमल करें। धन्यवाद है।